अनुराग कश्यप की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म द गर्ल इन येलो बूट्स का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है और साथ में ये भी पता चला है कि ये फिल्म इसी साल 2 सितंबर को रिलीज होगी। डायरेक्टर नागेश कुकुनूर जनरली ऑफबीट हिंदी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्मों के ज्यादातर स्टार्स भी न्यू कमर्स ही होते हैं, लेकिन नागेश ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनमें बड़े स्टार्स भी होंगे। बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर फरहान अख्तर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनकी फिल्म डॉन 2 जनवरी 5 की जगह 23 दिसंबर को रिलीज होगी। दरअसल फरहान को ऐसा लगता है कि दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म की डेट चेंज कर दी है। सुनने में आया है कि कटरीना आजकल इस बात से नर्वस है कि उन्हें अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में शाहरुख के साथ काम करना है। दरअसल कटरीना ने इससे पहले शाहरुख के साथ वर्क नहीं किया है, इसीलिए वो शाहरुख जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने में नर्वस फील कर रही हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि रावण की पूरी स्टार कास्ट दुबई में होने वाले एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए नजर आएगी, पर शाहरुख के इस इवेंट को करने से ना करने के बाद अब इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने शाहिद कपूर को अप्रोच किया है।